अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की ट्रेंडिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो मास्क है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, राइस फ्लोर, और इसका जो फेस वॉश हो गया और क्लिंजर हो गया, मास्क हो गया, हर चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। और इसके अलावा ये वर्क भी कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मैं दे दूँगी, डिटेल भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। देन अब मैं पहले आउटर पैकेजिंग की बात करती हूँ और आपके साथ वो ही शेयर करूँगी, फिर मैं इसकी अनर पैकेजिंग की बात करूंगी। पहले हम देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स और जो भी इनकी प्रोडक्ट इन्होंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक है, राइस पाउडर, ठीक है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये, और ये जी बायो शॉप का है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं इन्होंने सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर विटामिन बी है हमें मिलता, जो हमारी स्किन को अच्छा करता है। और ये हमने 15 मिनट तक अप्लाई करना है, जेंटली रब टू एक्सफोलिएट, ठीक है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है ये। और ये बायो शॉप से मैंने ख़रीदा था द्रास से, और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके अलावा वैसे भी द्रास पर बहुत मज़े की सेल लगी हुई है, आप ले सकते हैं। आप इनकी शॉप पर जाके और भी इनके प्रोडक्ट देख सकते हैं। मेरा ये थर्ड प्रोडक्ट है जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत मज़े का रहा इसके साथ। और जी इसके अलावा इसी बात करें तो ये बहुत ही पाउडर, जैसे टैल्कम पाउडर होता है, सेम उस तरह से इसकी थिकनेस है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है। बहुत अच्छे से ये ना कोई भी चीज़ में अगर आपने वाटर में डालना हो, इसको बनाने का मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी और रिव्यू भी दूँगी, डेमो भी दूँगी, इसको आपको लगा कर भी बताऊँगी और बनाना भी बताऊँगी। यहाँ पर मैंने थ्री टेबल स्पून ले लिए हैं। यहाँ पर मैं अपनी मदर के और अपने लगा रही थी तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले लिए, ठीक हो गया। तो जी इसके अंदर आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, रोज़ वाटर अकेला डालकर भी लगा सकते हैं, एलोवेरा भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है हनी वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें थी तो मैंने थोड़ी थोड़ी ये सारी चीज़ें डालकर इसको बहुत मज़े का थिक सा पेस्ट बना लिया। रोज़ वाटर वगैरह भी मैंने डाल दिया। इस रोज़ वाटर की बहुत मज़े की फ्रेगनेंस थी तो मेरे इस पैक में से बहुत मज़े की फ्रेगनेंस आने लग गए। तो आप भी कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, सादे पानी में भी आप इसे ऐड कर लगा सकते हैं। ये देखें थिकनेस कुछ इस तरह से है, जिस तरह से क्लिंजर बना बनाया हम रेडीमेड लेते हैं ना, उस तरह से सेम इसकी थिकनेस हो जाएगी, और बहुत अच्छा था। तो ये हमने 15 मिनट अपने फेस पर लगाना है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इसको ताकि इसके कोई भी हार्श जो हैं पार्ट्स इसमें ना रहे, मैंने सारे के सारे मिक्स कर दिए हैं। आपने ये 15 मिनट अपने फेस पर अप्लाई करना है, फुल फेस पर। उसके बाद आपने हल्के से मसाज देना है अपनी फिंगर से पानी लगाकर, तो हल्का सा 5 मिनट तक का आप या 3 मिनट तक का मसाज देकर अपने नॉर्मली वाटर से आपने इसे वॉश कर देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, डिटेल भी दे दूंगी, आपने अगर बाय करना हो तो ले लीजिएगा। वैसे भी समर में अगर हम इस तरह के पैक लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे बेसन का हो गया, मुल्तानी मट्टी हो गई, एक दो और होते हैं कोई भी, आप घर पर बनाकर लगा सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कोई भी क्रीम अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप ये बनाकर लगा लें। मेरा फेस आप देख सकते हैं रिज़ल्ट के कितना डल थोड़ा हुआ हुआ है गर्मी की वजह से। अब मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दूँगी ये जो मैंने मास्क बनाया है। ये आप इसे ब्रश की हेल्प की वजह से भी लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प की वजह से भी लगा सकते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का ब्रश भी द्रास से ही मंगवाया था, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मिल गया था, तब भी सेल चल रही थी तो मुझे 100
जस्ट 100 रुपीज़ में मिल गया था। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। जिनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा अपनी फिंगर की हेल्प से सेट कर लूँगी इसको लगाकर। 15 मिनट आपने छोड़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 15 मिनट छोड़कर मसाज देना है थोड़ा सा और नॉर्मली वाटर से वॉश कर देना है। रिज़ल्ट आपके सामने है, रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी मेरी स्किन ग्लो कर रही है और थोड़ी सी स्किन मेरी जो है फ्रेश हो गई, बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है, ग्लो भी कर रही है। इसके अलावा जो मेरी डल स्किन हुई हुई थी वो सेट हो गई है, स्क्रबिंग भी हो गई, मसाज का मसाज हो गया, स्क्रबिंग की स्क्रबिंग हो गई। मेरी तरह से फुल रिकमेंडेड है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।